Okay, now we will discuss about the next topic, overpopulation. Overpopulation क्या है? Overpopulation जो है वो भी इसमें आती है कि जो human impact है उसी में आती है. Overpopulation की अगर हम बात करें तो इससे मुराद ये है कि जो population है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. एक होता है कि population increase हो रही है, एक वो पॉपुलेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए वो ओवर में आ जाती है कि ओवर पॉपुलेशन के इतनी जगह नहीं है इस एरिया में पर उस लिहाज से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन उसमें सर्वाइव कर रही है, ये होती है ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, यानी कि अगर एक एरिया उसमें 15,000 लोगों की जगह है तो वहाँ पर 15,000 की जगह 25,000 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये ओवर पॉपुलेशन में आ जाता है. ठीक है, ओवर पॉपुलेशन जो है ये भी आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा यानी मेन कोज है. ठीक है, इसका तो इसमें यानी कि ओवर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ओवर पॉपुलेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड सम 250 इयर्स अगो द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एट 600 मिलियन. के वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ 600 मिलियन थी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन. दैट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बट नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन is almost 10 times at 6 billion and will grow to 8 billion by 2025 yani 2025 tak jo hai wo 8 billion tak jo hai wo pahunch jayegi. Better health facilities and lower mortality rates have contributed in population growth. Zahir si baat hai ki jitni jo population hai ye over hoti jayegi, hame har masail ka samna karna padega, jaise jobs ki opportunities maujood nahi hai, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, बेटर फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ऑफिसेज नहीं है. ठीक है, तो ये सारा सामना क्यों करना पड़ रहा है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. तो ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन को मेंटेन करना जो है ये हमारे इटसेल्फ, हम खुद भी इसमें यानी रोल प्ले कर सकते हैं. लाइक अगर हम बात करें तो बहुत से कंट्रीज़ यानी ऐसे हैं जिसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे रखा जाता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल इस तरह से रखा जाता है कि जो एक कपल होता है वो अपने आप को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टू चाइल्ड्स जो हैं उनकी बर्थ को परफॉर्म करता है, यानी कि सिर्फ जो टू चाइल्ड्स को यानी कि बर्थ देते हैं अपने यानी अपने आप को रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहती है. और ये सारा जो है ये डिवेलप्ड कंट्रीज़ जो हैं इनमें होता है. अंडर डिवेलप कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, यानी गुर्बत बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जिसकी वजह से जो पीपल हैं, लोग हैं, उनमें कुछ अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा यानी ओवर होती जा रही है. जबकि अगर हम डिवेलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो सिर्फ अपने आप को रिप्लेस करने के लिए जो कपल है वो टू चाइल्ड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं यानी बर्थ देते हैं. तो एक ही नहीं, हमारे पास टेबल गिवन है जिसमें ईयर देखें 1981 में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो थी 85,096,000. उसके बाद 1984 की बात करें तो उसमें 92,284,301. यानी कि ये जो है ये पॉपुलेशन जो है वो एक सीड करती जा रही है, एक बढ़ती जा रही है. हम उसको लेवल पे नहीं लेके आ रहे किस तरह से, यानी हम उसको एक मेंटेन कर सकें, पोजीशन पे कर सकें. ठीक है, तो ये सारा जो था, सारा जो प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, इसमें यानी हमारा अपना भी एक मेन रोल होता है. ठीक है, कि हम किस तरह से जो पॉपुलेशन है उसको यानी कंट्रोल में ला सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवर पॉपुलेशन का मेन टॉपिक. ओके, थैंक्स.